प्रणाम, जय जिनेंद्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ जैन यात्रा के इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने भांडवपुर तीर्थ की प्राचीनता के बारे में, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में हमने जाना। इस एपिसोड में हम यह तीर्थ इतने वर्षों से किस तरह हम तक पहुंच पाया है, कितने अलग अलग जीर्णोद्धार के द्वारा यह तीर्थ गुजरा है और आज किस तरह हमें ये महावीरस्वामी परमात्मा हमें प्राप्त हुए उसके बारे में जानेंगे। किस तरह अलग अलग मुनि भगवंतों का इसमें योगदान रहा है, वह सारी भी रोचक बातें इस एपिसोड के माध्यम से हम जानेंगे। प्रणाम रमेश भाई। प्रणाम। आपने पिछले एपिसोड में जिस तरह बताया कि यह तीर्थ 1233 में पहली बार प्रतिष्ठा हुई थी, तो अभी 2080 चल रहे हैं, लगभग 850 वर्ष से ये तीर्थ हमारे पास पहुंचा है, तो क्या कहीं पे कोई हानि नहीं हुई, कभी क्षति नहीं पहुंची, अलग अलग जीर्णोद्धार वगैरह होते हैं, तो किस तरह ये तीर्थ हम तक पहुंच पाया, अगर कोई जीर्णोद्धार हुए तो कैसे कैसे जीर्णोद्धार हुए उसके बारे में एक जानना था, और जीर्णोद्धार का मीनिंग क्या होता है, कब ये करवाना चाहिए वो भी एक बताइए आप। आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। करीबन 850 सालों से भगवान महावीर यहाँ विराजमान है जी। बड़े आनंद की बात है कि 850 सालों के दौरान कोई भी विदेशी आक्रमण हमलावर यहाँ नहीं आए जी। प्रतिमा जी और भगवान चिनाले सुरक्षित है जी। लेकिन समय समय आने पर चिनाले जीर्ण होते हैं जी। और जो पुराना चिनाले होता है उनको नया बनाने की जो प्रक्रिया होती है उनको जीर्णोद्धार बोलते हैं जी। जब पालजी संघवी ने यहाँ प्रतिष्ठा करवाई उनके बाद 1340 में एक बार जीर्णोद्धार हुआ था, उसके पश्चात 1654 के साल में भी यहाँ जीर्णोद्धार हुआ था। इस तरह दो बार इस जिनाले का जीर्णोद्धार हुआ था और दोनों बार जीर्णोद्धार यहाँ की दियावट पट्टी जैन संघ ने करवाया था। दियावट पट्टी जो आप कह रहे हो, तो जिन्होंने ये जीर्णोद्धार करवाया, तो दियावट पट्टी यानी क्या? पट्टी पट्टी मतलब एक रीत रिवाज को जो मानते हैं जो समुदाय उनको समाज बोलते हैं, वो समाज को राजस्थान में पट्टी बोलते हैं जी। ये भांडवपुर जो तीर्थ है उसके अगल बगल में जो गांव आए हैं उनके जो समूह है उसको एक दियावट पट्टी के नाम से जाना जाता है जी। ये तीर्थ दियावट पट्टी के परम आस्था का केंद्र है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन इसको मानते हैं, यहाँ की 36 कौम इस तीर्थ के प्रति परम आस्था और परम श्रद्धा रखते हैं। उनके घर आने वाले हर शुभ प्रसंग में यहाँ के भगवान महावीर को याद किया जाता है, समर्पण किया जाता है। ऐसा ये महामहिमावन तीर्थ है और उन्होंने के दियावट पट्टी के द्वारा ही दो बार यहाँ जीर्णोद्धार हुआ था जी। जैसे आपने बताया कि दियावट पट्टी ने लास्ट दो जीर्णोद्धार किए थे जी। और यह जैन अजैन हर किसी के आस्था का केंद्र है, तो पिछले दो जो जीर्णोद्धार हुए उसके बाद कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ, मतलब अभी जो तीर्थ हमें मिला है वो लास्ट दो जीर्णोद्धार के बाद जो तीर्थ था वही है कि उसके बाद भी कुछ हुआ? नहीं 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 नहीं, इसके बाद भी जीर्णोद्धार हुए हैं, वो भी अद्वितीय और अद्भुत। इसकी एक अनोखी कहानी है जी। जब लास्ट जीर्णोद्धार मैंने बताया 1654 में हुआ, उसके पश्चात कई साल बीत गए, करीबन 200 साल से भी ज़्यादा बीत गए। उसके बाद अवनि के अलंकार, सत्य के सूरज, क्रियोद्धारक परम योगी परम तपस्वी श्री राजेंद्र सूरी जी गुरुदेव यहाँ पधारे। मानो उसको उनको भगवान महावीर की ऊर्जा यहाँ लेके खींच के आई, भगवान की ऊर्जा ना गुरुदेव ने साक्षात्कार किया और गुरुदेव ने सोचा कि ये जिनाले का भी जीर्णोद्धार अति आवश्यक है। तो फिर गुरु ने दियावट पट्टी में परिभ्रमण किया और उपदेश दिया जीर्णोद्धार हेतु श्रावकों को, उनको ने उपदेश दिया। इतना ही नहीं, उनके जो शिष्य थे श्री यतीन्द्र विजय जी उनको ये जिम्मेदारी दी। इतना कार्य करके श्री राजेंद्र सूरी जी काल धर्म को प्राप्त हुए जी। उसके बाद श्री यतीन्द्र विजय जी ने इस जिनाले का जीर्णोद्धार का कार्य हाथ पर लिया और संवत 1988 से 2007 की साल तक यहाँ जिनाले का काम चला। और जब यहाँ चैत्री ओली की आराधना हुई थी मेले की, तब इस जिनाले की प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला और मुहूर्त में भी एक ऐसी घटना हुई कि जो स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। मतलब आप कहना चाहते हो कि लास्ट जीर्णोद्धार जो हुआ वो 19 साल तक चला था जी। 19 साल तक जीर्णोद्धार काम चला, क्योंकि इतना बड़ा जिनालय बनाया रहेगा जी, जी जी जी। और अंतिम जो आप घटना कह रहे हो कि वो भी एक अलग स्वर्णमय घटना है, तो वो क्या घटना रही ऐसी, वो जानना था। हाँ, वो घटना बहुत सुनने योग्य है। जब यहाँ 2010 जेठ शुक्ला दशमी के दिन यह प्रतिष्ठा का मुहूर्त आया, वो प्रतिष्ठा श्री यतीन्द्र सूरी जी के हाथों होने वाली थी। उनके आगे श्री धनचंद्र सूरी जी भी आए थे, उन्होंने यहाँ धर्मशाला के लिए उपदेश दिया था। उनके बाद भूपेंद्र सूरी जी भी आए और उनके बाद यतीन्द्र सूरी जी ने यह कार्य संभाला
और उस वक्त एक लड़का था जिसका नाम था पूनमचंद जी धरू जी। उन्होंने श्री यतीन्द्र सूरी जी को यहाँ आने प्रतिष्ठा में उपस्थित होने के लिए एक खत लिखा था कि गुरुदेव मैं यहाँ प्रतिष्ठा में आऊँ जी। हाँ, तो गुरुदेव ने ऐसा जवाब दिया था, वो भी इतिहास के पन्नों पे सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया जी। क्या था वो जवाब उनका? हाँ, वो बड़े सुंदर जवाब था कि पूनमचंद जी, ये आपको ये मैं भी जना दूं कि पूनमचंद जी जो थे थराद के बाजू में आए पेपराल गांव के श्री स्वरूपचंद धरू के तेजस्वी पुत्र थे जी। वो जन्मजात वैरागी और विरक्त थे जी। संयम जीवन की तालीम लेने के लिए वो यतीन्द्र सूरी जी के पास थे और गुरुदेव ने उनको पढ़ाई के लिए निम्बाहेड़ा में कुंदन मल जी डांगी के यहाँ रखा था और निम्बाहेड़े से उन्होंने जो पत्र लिखा था कि मैं प्रतिष्ठा देखने के लिए आऊँ, तब गुरुदेव ने जो जवाब दिया था वो सुनने योग्य है जी। कि पूनमचंद अब पढ़ाई का वक्त है, पढ़ेगा वो पढ़ेगा, तुम अभी पढ़ाई करो और अच्छी पढ़ाई करोगे तो मेरे से भी ज्यादा प्रतिष्ठाएं तुम करवाओगे जी। और गुरुदेव का यह वाक्य मानो पत्थर की लकीर बन गया जी। प्रतिष्ठा में लेकिन गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया, मना तो किया, उनकी परीक्षा भी ले ली और पूनमचंद पढ़ाई के लिए बैठ भी गया, लेकिन यतीन्द्र सूरी जी कोमल हृदय के थे तो उन्होंने उनको प्रतिष्ठा में बुलाया या नहीं बुलाया वो कोमल हृदय के थे जी। हाँ, वज्र से भी मजबूत थे लेकिन वो फूल से भी कोमल थे। उन्होंने अपने जो एक सुश्रावक जिसका नाम था भुदरमल झवेरी यहाँ आए थे प्रतिष्ठा में, वो गाड़ी लेके आए थे और उनको कहा कि भाई मेरे मुमुक्षु को यहाँ बुलाना है, तो वो भुदरमल जी झवेरी निम्बाहेड़ा गए और पूनमचंद जी धरू को लेकर यहाँ आए। उस वक्त प्रतिष्ठा में श्री विद्या विजय जी ने भी बहुत कार्यभार संभाला था, उनसे कंधों से कंधा मिला के एक नवयुवान साधु थे जिसका नाम श्री शांति विजय जी थे जी। उन्होंने भी अच्छी तरह से काम किया था जी। प्रतिष्ठा तो संपन्न हो गई। प्रतिष्ठा के कुछ माह बाद वो पूनमचंद जी धरू की सियाणा में दीक्षा हुई जी। और उनका नाम श्री जयंत विजय जी रखा गया जी। जयंत विजय जी और शांति विजय जी दोनों गुरु भाइयों की जोड़ी ऐसी जमी, ऐसी जोड़ी कि उन्होंने भी एक नया इतिहास रच दिया जी। पांडवपुर तीर्थ में विराजमान श्री महावीरस्वामी भगवान लगभग हजार वर्ष से एक ही स्थान पर विराजमान है और उतने समय में लगभग चार जीर्णोद्धार यहाँ पर हुए हैं। हर एक जीर्णोद्धार की अलग अलग कथा है और वो कहानी हमने इस एपिसोड के माध्यम से जानी। आगे आने वाले एपिसोड में पूज्य शांति विजय जी महाराज साहब एवं पूज्य जयंत विजय जी महाराज साहब ने इस भांडवपुर तीर्थ के लिए किस तरह एक अलग इतिहास रचा, किस तरह इस तीर्थ का एक उत्थान किया और किस तरह इस तीर्थ को एक नई ऊंचाइयों तक लेके गए, ये सारी बातें हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड में। आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल के साथ बने रहे। प्रणाम।